हमारे साथ में है सरस्वती गढ़ा फाटक के कुछ छात्र और छात्राएं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज इनका जो है परीक्षा परिणाम भी आया है इस विषय में। आपका क्या नाम है? विदुषी श्रीवास्तव। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपने अभी 11वीं कक्षा का आपका परिणाम आया है, तो उसमें क्या परसेंटेज रहा है आपका? 72.4। अच्छा, तो आप सरस्वती स्कूल में, आप सभी जो छात्र हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार से लगता है कि ये स्कूल, मतलब इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब संस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं? आप लोगों को लगता है कि हाँ, हमको अच्छी पढ़ाई मिल रही है? हाँ लगता है। समझाते बहुत अच्छे से हैं और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो आप लोगों का जो है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा बिजनेस है। आपका? अकाउंट। और आपका कौन सा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा, तो आप भी 11वीं कक्षा के छात्र हैं, है ना? तो आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? नायक मैम, शुभांगी नायक। अच्छा, शुभांगी नायक जी मैडम पढ़ाती हैं। तो और जो आप यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं, कब से छात्र हैं? केजी वन से मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी आप 11वीं में, मतलब आपने 11 साल यहाँ पे पूरे करें, तो आपको यहाँ संतुष्टि है पढ़ करके कि हाँ, हमें यहाँ पर अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है? शिक्षा के साथ साथ संस्कार ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल के शिक्षक हैं, उनका कैसा, किस तरीके का बर्ताव है? अच्छा बर्ताव, सब मतलब घुल मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा। आपका नाम क्या है? सिवेक कुमार पटेल। कौन सी क्लास में? 11th क्लास। 11th क्लास में। अच्छा, आपको यहाँ पर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है? आप स्पोर्ट्स कुछ खेलते हो यहाँ पर? आप कोई बच्चे हैं, छात्र हैं? हाँ, यहाँ पर तो बहुत स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा। खिलाए जाते हैं और बाहर भी ले जाते हैं खिलाने के लिए। तो पहले के समय में यहाँ पर योगा वगैरह भी कराया जाता, तो क्या वो चीज़ अभी भी आप करते हैं? यस, योगा होता है, अभी भी यहाँ होता है योगा। तो ये देखा आपने, हमने यहाँ के छात्रों से बात करी, वे संतुष्ट हैं कि वे सरस्वती गढ़ा फाटक विद्यालय में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर और भी कई शिक्षकगण भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे अभी। अभी हमारे साथ यहाँ पर है श्रीवास्तव आचार्य जी, जो कि सोशल साइंस और इकोनॉमी पढ़ाते हैं। तो आचार्य जी, आपको लगता है कि यहाँ पर छात्रों को जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और आपका क्या कहना है सरस्वती स्कूल के बारे में? बिल्कुल, बच्चों को तो अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है, और शिक्षक लोग तो, चूँकि शिक्षक लोग तो ऊपर प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर जो है कब से सेवा दे रहे हैं शिक्षक के तौर पर? मैं 1995 से। मतलब कि अभी जो 2021 चल रहा है, तो लगभग आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पर? यहाँ मेरे 27वां साल चल रहा है। मतलब आप यहाँ 27 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पर आपके, आपने देखा होगा कई प्रधानाचार्य बदल गए, कई टीचर बदल गए, तो उनकी गैर मौजूदगी में जैसे भी नहीं भी आते हैं, तो उसका उस समय कौन जो है कार्यकाल को संभालता है? उस समय प्रभारी संभालते हैं, जो प्रभारी नायक दीदी हुई है, वो संभालते हैं और पूरे आचार सहयोग करते हैं, पूरे हम लोग के पूरे आचार्य जी सहयोग करते हैं। और इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर स्कूल में जो है सुधार की जरूरत है, कुछ आवश्यकता है? नहीं, स्कूल तो सुधार की जरूरत है, सुधार आवश्यक सुधार होते जाते हैं। अच्छा, तो होते जाते हैं हम लोग। जी जी, यहाँ पर और भी शिक्षकगण होंगे मौजूद, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप जो है एक गणित के क्षेत्र में काफी माहिर हैं, और आप यहाँ पर काफी समय से शिक्षा दे रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? भभूति कनौजिया। और यहाँ पर आप कितने साल से जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को? 23 साल से। आप यहाँ पे केवल गणित पढ़ाते हैं या उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट? केवल गणित पढ़ाते हैं। केवल गणित पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पर लगता है कि ये जो सरस्वती स्कूल है, इसमें कई कितने जो है टीचर लोग गए हैं, आए हैं, उसके अलावा कि वहाँ पर मतलब किस तरीके से पढ़ाई होती है, और छात्र यहाँ पर संतुष्ट रहते हैं कि नहीं? मैक्सिमम छात्र जो है संतुष्ट रहते हैं, आचार्य परिवार बहुत ही मेहनत करता है, और मैक्सिमम बच्चे जो है संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के अभिभावक भी आते होंगे, और आज के दिन जो है यहाँ पर परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, तो उस पर जो है आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा परिणाम रहा, मैक्सिमम बच्चे पास होकर खुशी घर जा रहे हैं। तो आपके जो गणित का आपका विषय है, बच्चे ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि हमको जो है गणित से काफ़ी भय लगता है, डरते हैं, तो उन तरीक़ों से आप जो है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं? जिनका बेसिक गड़बड़ रहता है वो घबराते हैं, और कुछ दूसरे स्कूल में टीचर मन लगा के मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैथ्स के मजे नहीं लेता है, तो बच्चे मैथ्स से दूर रखते, जबकि सरस्वती में ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टीचर जो हैं, आचार्य परिवार जो है, मैथ्स मजे लेके पढ़ाता है, जिसके कारण अधिकांश बच्चे मैथ्स की ओर लेते हैं। तो आप कौन सी जो है कक्षाओं में आप पढ़ाते हैं मैथ्स? 11वीं और 12वीं में पढ़ाते हैं। और सर, आप जो है आप कौन सी कक्षाओं में पढ़ाते हैं? मैं 10वीं 11वीं 12वीं। आप 3 कक्षाओं में पढ़ाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ की जो है उपाचार्य मैडम जो है वो जुड़ी हैं। आपका नाम क्या है मैडम? मैं श्रीमती शुभांगी नाइक। और आप यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? मैं 1992 से। आप यहाँ पर किस प्रकार से, मतलब बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पर 11th 12th में रसायन शास्त्र पढ़ाती हूँ।
तो बच्चों को रसायन शास्त्र पसंद आता है क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि बच्चे जो है थोड़ा घबराते हैं, भारी भारी सब्जेक्ट उनको लगता है ऐसा। हाँ, ऐसा है कि रसायन शास्त्र जो है ना, जैसे हम शब्द से ही जानते हैं कि ये रसों का शास्त्र है और बहुत कड़वे कड़वे रस है, इसलिए रसायन शास्त्र पसंद नहीं आता है। लेकिन हम ऐसी तैयारी कराते हैं कि बच्चों को याद हो जाए, उसमें इंटरेस्ट आ जाए, रुचि उनको निर्मित करते हैं, 11वीं से प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे छात्र हमारे सिलेक्ट होते हैं। आगे JEE में भी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे उच्च पदों पर हैं छात्र। अच्छा, आप यहाँ सरस्वती स्कूल के जो है उप प्रचार हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पर और भी कई बच्चों के पूर्व छात्र जो कि यहाँ से 12वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले होंगे और कई पदों पर होंगे, तो क्या आप उनसे संपर्क रखते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पूर्व छात्रों का जब से बच्चे यहाँ से निकले, जब से स्कूल शुरू हुआ है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमारे पास है और उनसे हम सतत कॉन्टैक्ट में रहते हैं और बच्चे तो मतलब एक बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमें विद्यालय के आचार्य याद करते हैं और उनसे हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। मैं इस माध्यम से उन सभी छात्रों तक यह मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि कोरोना काल जो चला था उस समय उन्होंने जो हम लोगों को सहयोग किया, विद्यालय के आचार्यों को लगभग 6-6.5 लाख रुपये उनने कलेक्ट करके और विद्यालय के आचार्यों को सहयोग किया है, उनका मैं इस माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं अभी भी, इस साल भी हमें पूर्व छात्रों से अभी तक 50,000 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुई है। अच्छा, तो मतलब जो पूर्व छात्र हैं वो आर्थिक रूप से भी आपकी मदद करते हैं? बहुत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। अच्छा, आज के दिन जो है यहाँ पे परिणाम घोषित हुआ था, परीक्षा परिणाम बच्चों का, तो उसमें भी क्या कोई पूर्व छात्र जो है शामिल हुए? हाँ, आज जो पुरस्कार ये परीक्षा फल समारोह वितरण हुआ है तो उसमें जो LIC द्वारा हमारे विद्यालय में जो पहला रैंक हासिल किया है उनको ट्रॉफी मिली है और जो LIC के अधिकारी आए थे वह भी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े थे, गंगानगर से पढ़े थे, तो उनको भी बहुत गौरव महसूस हुआ था कि हम उस विद्यालय में पुरस्कार देने आए हैं जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की है। तो आपने देखा यहाँ के हमने उप प्रधानाचार्य जो है उनसे बात करी, हम यहाँ की एक और शिक्षिका से बात करेंगे जिनको ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं और रत्ना दीदी के नाम से जानते हैं जी। मैडम, आप यहाँ पे कब से जो है अपनी सेवा दे रहे हैं शिक्षक के तौर पे? 93 से सेवा दे रही हूँ यहाँ। मतलब आपको यहाँ पे काफी समय हो गया है? काफी समय हो गया। आप जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पर? हम 11th-12th में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। अच्छा, आप 11th और 12th में पढ़ाते हैं, तो इसके आपको लगता है कि मतलब बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लें आपके सब्जेक्ट में, तो आप उस किस तरीके की मतलब नीति अपनाते हैं या कुछ करते हैं? हम उनके लिए जो उनको सरलता से समझ में आ जाता है उस तरह से अपने बच्चों को गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप जो है बच्चों की ज्यादातर फेवरेट है, अगर कोई भी बच्चा किसी से बच्चे से भी पूछे या छात्र से पूछे तो वो बता देता कि हाँ, रत्ना दीदी हमारी क्लास टीचर है, तो ऐसा मतलब आपकी लोकप्रियता काफी है? अरे, ये तो बच्चों का है कि वो हमें इतना चाहते हैं, पर हम स्नेह पूर्वक बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, शायद इसीलिए लोकप्रियता होगी। तो देखा आपने यहाँ पर यहाँ के शिक्षक गण कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बैनर लेकर के खड़े हुए हैं जिसमें आप देख रहे हैं लिखा है वार्षिक परीक्षा फल समारोह। यहाँ पर जो है अभी 10वीं और 12वीं को छोड़ करके जितने भी कक्षाओं के रिजल्ट हैं वो यहाँ पर आए थे। देखा कि हमने यहाँ के जो शिक्षक गण हैं इनसे बातचीत करी और उन्होंने किस तरीके से बताया कि यहाँ सरस्वती स्कूल में बच्चों को संतुष्टि मिलती है एक तरीके से पढ़ करके। और अगर आप यही बच्चे अगर कहीं अपने रिश्तेदारों को या अभिभावकों या अपने किसी भी जुड़े अनजान व्यक्ति को भी अगर ये चीज़ बताते हैं कि हम सरस्वती गड़ा फाटक स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके मन में भी ये भाव आता है कि ये बच्चा अगर सरस्वती स्कूल से पढ़ा है तो इसके अंदर शिक्षा और सद्विचार और उसके साथ में संस्कृति सभ्यता कूट कूट करके भरी होगी। अभी हम आगे चलेंगे और यहाँ के जो प्रधान अध्यापक जी हैं भास्कर राव, उनसे भी बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं सरस्वती विद्यालय गड़ा फाटक विद्यालय के यहाँ पे प्राचार्य भास्कर राव जी। सर, आप जो है यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? मैं यहाँ 2021 में जुलाई में ज्वाइन किया है। इसके पूर्व मुख्यालय में जो परिषद कार्यालय कहलाता है वहाँ पर पदस्थ था। तो इसके पहले आपने बताया था मुझको कि जो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक स्पोर्ट्स का भी कुछ देखते थे। मैं विद्या भारती मध्य क्षेत्र का क्षेत्र खेल प्रमुख इस नाते भी दायित्व है मेरे पास, और उसके अलावा यहाँ पे विद्यालय में प्राचार का दायित्व भी निर्वाह कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सरस्वती गड़ा फाटक स्कूल में आए हुए अभी मेरे ख्याल से 1 साल का वक्त हुआ है? हाँ, 1 वर्ष हो रहा है, और क्योंकि इसके पूर्व भी मैं यहीं से
ज्वाइनिंग मेरी इसी विद्यालय से थी, और जिस प्रकार से विद्यालय प्रगति कर रहा है, आने वाले समय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालय उसी प्रकार से कार्य करेगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से है, उसके आधार पर विद्यालय को डेवलप करना है। तो ये जो नई, आपने बताया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये किस प्रकार से, कुछ प्रकाश डालिए इस पर। इसमें पहले जो 10+2 चलता था, अब उसकी जगह 5+3+3+4 इस पद्धति के अनुसार रहेगा। तो इसमें जो जैसे शिशु मंदिरों में बोला जाता है अरुणोदय प्रभात, तो जो नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट और सेकेंड, इसको 5 वर्षों में डिवाइड किया गया और इसको आधार लेके और ये शिक्षा नीति लागू होगी। तो आपको यहाँ पर लगा कि आप इसके पहले जहाँ पर पदस्थ थे और यहाँ पर आए हैं, तो उसकी कुछ यहाँ पर बदलाव होने चाहिए, शिक्षा नीति हो गई या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें? ऐसा है कि जब भी नई चीज जगह आते हैं तो नया करने की इच्छा होना चाहिए उस व्यक्ति में, तो निश्चित तौर पर बदलाव अपने आप होता है। जहाँ पहले पदस्थ था वहाँ का वातावरण अलग था, वहाँ के काम अलग थे, यहाँ पे पदस्थ हूँ यहाँ के काम अलग है, उसके अनुसार कार्य करने में हम सक्षम। तो यहाँ पर अपने कितने शिक्षक गण हैं जो बच्चों छात्रों को पढ़ाते हैं? यहाँ 22 शिक्षक हैं और 4 फैकल्टी है, साइंस है, मैथ्स है, बायो, आर्ट्स में कॉमर्स है, आर्ट्स में इतिहास है, राजनीति शास्त्र है और कॉमर्स है, ये फैकल्टी इस विद्यालय में है। तो सर यहाँ पर जो है आपको आए हुए 1 साल हुआ है, तो इन 1 सालों के भीतर आपने कुछ बदलाव किया हो यहाँ पर? बदलाव जो नियम कहता है वो ऐसा है कि जो पद्धति यहाँ पे चलती है, जो विद्या भारती की पद्धति, उसी के अनुसार कार्य किए जाते हैं और उसी में सबको नया क्या हो रहा है, आज के परिवेश में नया क्या हो रहा है, वो बताते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे मानसिक तौर से तो बच्चों को ठीक है अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन शारीरिक तौर से उनकी फिटनेस को लेकर के या किसी तरह की कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है यहाँ सरस्वती गढ़ा फाटक विद्यालय में? यहाँ से जैसा आपने बोला कि मानसिक रूप से तो यहाँ पढ़ाया जाता है, शारीरिक रूप से भी यहाँ पे टीमें होती हैं और नेशनल स्तर पर यहाँ के बच्चे जाते हैं और रेगुलर एक्टिविटी में यहाँ पे विद्यालय में एक कुश्ती का सेंटर है, जिसमें इस विद्यालय के कई भैया राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल पे इसी विद्यालय से पहुँचे हुए हैं कुश्ती में। वो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं कि अभी भी यहाँ पढ़ते हैं? पूर्व छात्र हो गए, वे पढ़ के निकल चुके हैं, अभी वर्तमान में लगभग 8 से 10 भैया हैं जो कुश्ती की इवेंट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे अभी कोई वर्तमान में, जैसे मैंने यहाँ पर देखा बच्चों से बातचीत करी, छात्रों से बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर ऊपर योगा कराया जाता था प्रार्थना के समय, तो क्या योगा अभी भी होता है या? अभी 2 वर्षों से क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए वो पद्धति, वो चीज़ें चालू नहीं हो पा रही, क्योंकि बच्चे नहीं आते, कुछ आते हैं तो उनके हिसाब से रेगुलरिटी जिसको बोलना चाहिए, क्योंकि ये है पढ़ाई के साथ करने का, पढ़ाई का महत्व पहले है, क्योंकि पढ़ाई पहले कराना है विद्यालय में, अगर हम पहले योगा कराएंगे बाद में पढ़ाई तो लोग जो पेरेंट्स हैं वो बोलेंगे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, योगा करने नहीं भेजते। इसलिए लॉकडाउन के कारण जो बच्चों ने आपसे बात की होगी वो 2 वर्षों में, क्योंकि विद्यालय लगे नहीं है ठीक से, कभी आज लग रहा है कभी बंद हो रहा है, इसलिए वो उन्होंने बोला होगा, उनका बोलना जायज़ है, मगर यहाँ पे पहले भी इसके लॉकडाउन के पहले योगा क्लासें लगातार होती थी, खेल की क्लासें लगातार होती थी, मतलब पीरियड तय था, जैसे हमारे यहाँ विद्या भारती में 5 आधारभूत विषय चलते हैं, शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संगीत शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक, इसके नियमित कालखंड हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। तो मतलब अभी लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी जो आपने बताया कि शिक्षा है, संगीत की शिक्षा है और सारे, वो अभी कुछ नहीं लग रहे हैं? अभी लॉकडाउन के कारण वो उसके लिए समय चाहिए, अब समय निर्धारित रहता है कि 50% बच्चों को बुलाना, 50 कम बच्चों को बुलाना, और उसके अनुसार और समय सीमा भी निर्धारित रहती है कि इतने बजे तक विद्यालय लगेगा, जो गवर्नमेंट नाम से कहते हैं उसके आधार पर अभी कोरोना काल में सब कार्य किए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ देखेंगे प्रायः जिस स्कूल में शिक्षक पदस्थ होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं तो वो उस स्कूल में नहीं पढ़ते जहाँ पर अध्यापक ही प्राध्यापक होते हैं, ऐसा क्यों है?
ऐसा है कि जैसे हम हमारे यहाँ जो स्टाफ है ये सब दूर दूर रहते हैं, अब यहाँ के जो यहाँ पढ़ाते हैं वो शिशु मंदिर में ही पढ़ते हैं, कहीं अदारताल में पढ़ते हैं, कहीं गंगानगर में पढ़ते हैं, कोई जयनगर में पढ़ता है। अब ज़रूरी नहीं कि इसी विद्यालय में पढ़े, इसी संस्था में पढ़ते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि गढ़ा पाठक में वो पढ़ा रहे तो यहीं पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे अभी जो लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वो सूखा विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पहले वहाँ उनको घर स्कूल पास पड़ता है, विद्यालय पास पड़ता है, तो वो वहाँ पे उनको रखा है इस प्रकार से। जी अच्छा, तो यहाँ पर जो शिक्षक अपने बच्चों को यहाँ पर लाते हैं, एडमिशन कराते हैं, उनका तो उनको क्या कोई सुविधाएं दी जाती हैं किसी प्रकार की? नहीं, ऐसा मतलब वो नहीं है कि आपने एडमिशन कराया तो आपको ये सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम एडमिशन लेते हैं ये बता के कि हम संस्कार देते हैं और शिक्षा देते हैं। आज जो आवश्यकता है पेरेंट्सों की, अभिभावकों की जो आवश्यकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा बच्चा संस्कारित हो, हमारी बात कहना सुने, हमारे अनुसार वो चले, तो वो शिक्षा हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे घर में जाते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं वो उनको वो नहीं बताया जाता, मगर हमारे यहाँ जो 5 शिक्षाएँ हमने आपको बताई कि विषय चलते हैं आधारभूत विषय विद्या भारती में, उसके तहत ये सब चीज़ें वो कराते हैं। तो यहाँ के कई ऐसे छात्र हैं जो कि पूर्व छात्र हैं और वो काफ़ी बड़े स्तर पर पहुँच गए, अब यहाँ से उन्होंने अपनी 12वीं पूरी करी है, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करी है, उसके बाद में वो अच्छे स्तर पर पहुँच गए, तो क्या अभी विद्यालय उनसे संपर्क रखता है? अभी हमारे यहाँ लगभग जो पूर्व छात्र है, क्योंकि रिकॉर्ड मिलना और वो उनसे संपर्क करने में लगभग ऐसे 1000 छात्रों का हमने पंजीयन किया है जो ऑल इंडिया बेस पे है, ऐसे लगभग 1.5 लाख लोगों का पंजीयन पूरे विद्या भारती महाकौशल प्रांत में, 1.5 लाख के ऊपर बच्चों का पंजीयन हुआ है और वो उनसे सतत हम लोग संपर्क में रहते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि हमारे ध्यान में नहीं रहता कि वो बालक वहाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो वो जैसे अपने परिवार के साथ जबलपुर आता है, अभी जो देखने में आया तो वो स्वयं यहाँ पर आता है और यहाँ आने के पश्चात वो संपर्क में आ जाता है और फिर वो सतत संपर्क में हम लोग के रहता है। तो आज के दिन जो है यहाँ पे परीक्षा परिणाम घोषित होना था 11वीं कक्षा का, तो उसमें किस प्रकार से छात्रों का प्रदर्शन रहा है? अभी जैसे अपन सामान्य तौर पे जो परीक्षा परिणाम इस वर्ष का घोषित किया गया है वो लगभग 84% परीक्षा परिणाम आया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के नाम से कि पहली से लेकर 8वीं तक बालकों को ग्रेडिंग के आधार पर पास किया जाए, 9वीं में जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा रहा, 11वीं का जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा रहा, तो कोरोना काल होते हुए भी जिस प्रकार से भैया बहनों से अपेक्षा थी वो उसमें वो खरे उतरे और हमारा परीक्षा परिणाम कोरोना काल को देखते हुए काफ़ी अच्छा, और उसका पूरा श्रेय यहाँ के जो आचार्य हैं, जिन्होंने आचार्य और दीदी जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस कोरोना काल में बच्चे नहीं आ रहे तो घर जाके उनको बुला के उनको पढ़ाना, ये सब हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ संपर्क पद्धति चलती है, सघन की जनसंपर्क जिसको राजनीति की भाषा में बोलते हैं, विद्यालय में ये कंटिन्यू संपर्क पद्धति एक रहती है जिसमें आचार्य को वर्ष भर में कम से कम 3 से 4 बार विद्यालय भैया बहनों के घर पहुँचना रहता है, इस कारण से हमें वो सफलता परीक्षा परिणामों में मिलती है। तो अभी लॉकडाउन के वक्त यहाँ पर सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई जा रही होंगी, तो वो किस तरीके से लग रही थी, क्या स्कूल में लगाई जा रही थी या शिक्षक अपने घरों से जो है ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे? लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासे बोली गई उसमें 2-3 प्रकार थे, एक जैसे हम लोग मोहल्ला क्लास लगाते थे जब लॉकडाउन खुल जाता था, जाने आने की सुविधा रहती थी तो हम लोग मोहल्ला क्लास लगाते थे, और एक टीचर और जिस एरिए में ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे वो मोहल्ला क्लास लगती थी उसके माध्यम से पढ़ाते थे, दूसरा जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें, बड़ी कक्षाओं में जो बच्चे दूर दूर रहते हैं तो उनको ऑनलाइन के जूम में जोड़ के और उस हिसाब से क्लासें आयोजित की गई। अच्छा, यहाँ के जो अध्यापकों का कहना है कि जो पूर्व छात्र रहे हैं यहाँ से और जो यहाँ पर फंक्शन होते हैं आए दिन स्कूल में, तो उन पे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद करते हैं पूर्व छात्र, क्या ऐसा है? ये आर्थिक रूप से कहना चाहिए कि ये विद्यालय उन्हीं का है और उसी के इसमें वो
जैसे आप बोलते हैं कि ये हमारा घर है, तो हमारे घर में क्या क्या चीज़ों की कमी है, वो अपने आप स्वयं बोलते हैं कि हम ये करेंगे आर्थिक रूप से भी और शिक्षा के, जैसे एजुकेशन के रूप में। अभी कुछ विद्यार्थी आए कि हम कंप्यूटर अच्छा पढ़ा सकते हैं, हमें नॉलेज है, तो वो कंप्यूटर की क्लासें भी वो लेते हैं। मतलब केवल आर्थिक पक्ष नहीं, सामाजिक जो पक्ष कहलाता है एजुकेशन से संबंधित, तो वैसी क्लासें भी वो लेते हैं। और भरपूर सहयोग, जिसको बोलना चाहिए विद्या भारती में पूर्व छात्रों का इस समय सबसे ज़्यादा सहयोग हर विद्यालय में मिल रहा है। पूरे महाकौशल, पूरे भारतवर्ष के जितने विद्यालय हैं उसमें पूर्व छात्रों के द्वारा ही ऐसे कार्य जो सामाजिक रहते हैं, आर्थिक रूप से हैं, ये सभी कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर साल भर में कई प्रोग्राम भी होते होंगे स्कूल की तरफ से, तो कौन कौन से हैं जो प्रोग्राम अपने यहाँ सरस्वती कड़ा फाटक स्कूल में मनाए जाते हैं? जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम वो तो होते हैं, उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण रहता है, जिसको छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसका शिक्षण चालू होना है, तो उसके लिए हमारे वसंत पंचमी का एक कार्यक्रम होता है जिसको हम पाटी पूजन के नाम से भी जानते हैं। उसके माध्यम से उसको बुलाते हैं, उस बालक को, उनके माता पिता आते हैं और उनके जीभ में शहद से ओम लिख के और फिर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो तब से शिक्षा में पढ़ने के लिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो महापुरुष होते हैं भारतवर्ष में, जो महापुरुष हुए उनकी जयंती जैसे जैसे मंथ महीने माह आते रहते हैं, उस हिसाब से उनकी जो जयंती रहती है उनकी, वो जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। जैसे 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती होती, तो उसमें अलग अलग प्रकार रहते हैं हर वर्ष, कभी संचलन निकाल के, शोभा यात्रा निकाल के विवेकानंद जी बना के, और वो पूरे जो एरिया है विद्यालय का लगभग 4-5 किलोमीटर के अंदर, वहाँ पे वो बताते कि आज विवेकानंद जी की जयंती है, तो उससे लोगों को, समाज के लोगों को ये मालूम होता है कि आज विवेकानंद जयंती है, सुभाष जयंती मनाते हैं। अलग अलग जितने भी महापुरुष होते हैं इनकी जयंती, संतों की जयंती मनाई जाती, तुलसी जयंती मनाई जाती, मतलब जितने भारतीय संस्कृति में त्यौहार हैं वो विद्यालय में मनाए जाते हैं। अच्छा, तो आपने अभी बताया था कि यहाँ पर कुश्ती को लेकर के काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, कुश्ती खिलाई जाती है, और कई हमारे यहाँ से जो छात्र हैं वो नेशनल राज्य स्तर पर भी गए हुए हैं, क्या ऐसा, ये बात सही है? ये अभी हमारे यहाँ क्योंकि जो सेंटर है वो साईं के द्वारा पहले निर्धारित था, मगर अभी कुछ कारण से कोचेज नहीं है, मगर जो पुराने विद्यार्थी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हैं वो विद्यार्थी यहाँ पे अभ्यास करवाते हैं उन भैया बहनों का, और रेगुलर हमारे यहाँ शाम को 5 बजे से 6, क्योंकि विद्यालय लगता है उस समय उनके अभ्यास नहीं होते, क्योंकि भैया बहन पढ़ते हैं और वो खेलते रहते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस, इसलिए केवल शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक उनका नियमित अभ्यास यहाँ होता है, जिससे कि अब बहुत से भैया बहन राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे कहाँ उनको खेलने की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, किस प्रकार से उनको व्यवस्थाएं दी गई हैं कि आप आगे बढ़ें? यहाँ पे ऊपर मैट उनके बिछे हैं, कुश्ती के मैट रहते हैं, वो पूरे बिछे हैं ऊपर छत पे, और उसके ऊपर शेड लगा के रखा है जिससे कि मैट खराब ना हो, और वहाँ पे नियमित उनका अभ्यास होता है। मतलब 5 से 7 के बीच में 2 घंटे उनको कुश्ती के लिए मिलते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि अभी यहाँ पर सरस्वती स्कूल के जो प्रचार जी हैं श्री भास्कर राव जी, उन्होंने हमको बताया यहाँ पर अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को भेजता है पढ़ने के लिए, तो उसको ये संतुष्टि रहती है कि यहाँ पर जो है उस छात्र को, उस बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा मिलेगी। नमस्कार, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़।